गाइज़ वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी मेला। और हल्द्वानी मेला जो है सुनने में आ रहा है कि जल्द बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, शायद आज भी उसका आखिरी दिन हो सकता है। तो हम लोग जल्दी से निकलते हैं, टाइम हो चुका है 7 बज रहे हैं। और मैं लगा रहा हूँ ओडोमॉस क्योंकि भैया हम जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करते हुए। और मेरे साथ जा रहे हैं चाचा चाची और छोटा भाई हिमालय। तो बस निकलते हैं थोड़ी देर में। तो मेला लगा हुआ है आपका जैसे कि हमेशा लगता है भूटिया पड़ाव के सामने, जो MBBG कॉलेज के सामने। तो वहीं पे मिलते हैं आपको। तो भाई अभी हम लोग रुके हैं थोड़ा सा दुकान में और थोड़ी देर में निकल जाएंगे। चलो फिर, चलो चलो। और मेले के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं तो हम निकलते हैं सीधा मेले के लिए। चलो पैसे दे देना भैया, मेरे को देख रहे हैं पैसे कौन देगा करके। तो भाई मेले वाली साइड में पहुंच चुके हैं और जब से मेला शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम हो चुका है, तो ऐसे ही भीड़ रहती है यहाँ पे। हाँ चलो, वो चला गया पार। तो भाई मेला तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, 2-3 दिन रह गया। और ये फिश वाला भी बंद हो चुका है, तो बैड लक फॉर चाचू क्योंकि हम लोग तो देख चुके हैं फिश वाला, इन्होंने देखा नहीं था। और वो है टिकट काउंटर। तो बिना टिकट के भी तो जा सकते हैं यार, मेला ख़त्म ही हो गया लगभग लगभग। क्या हो गया, क्या बचा हुआ, झूले तो चल ही रहे वैसे। तो भाई टिकट ले लिया हमने, कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ चलो चलो, आ रहा है गोलू। चलो भाई बबली बबल हो रखा। तो भाई भीड़ तो बहुत ज्यादा हो रखी क्योंकि तो भाई यही कारण है आज की भीड़ का। टीशर्ट कैसा लग रहा है भैया? पता नहीं मम्मी यार, कितने बड़े एरिया में है भाई। स्पाइडरमैन का मास्क तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भाई मैंने मम्मी को बोला ये वाला लेने के लिए, लेकिन मम्मी का दिल थोड़ा आ रहा है दूसरे कलर पर। ब्लैक थोड़ा सा ये है कि हर किसी सूट के साथ चल जाएगा, वही सही लग रहा है मुझे तो। खिलौने खिलौने हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टॉयज। बोला भाई एक से एक टॉयज है। हाँ ये वो है सनफ्लावर का, पता नहीं है लेकिन चीज़ें बहुत मस्त बना रखी हैं यहाँ पे। क्या प्राइस है भैया इसकी? 100 का 250 ग्राम। 100 का 250 ग्राम, तो वैसे लग रहा है जैसे पैकेट में आता है वो। इसके अंदर चॉकलेट वगैरह है क्या? फिलिंग वाला है क्या? फिलिंग वाला ही है। खेलोगे, खेलना है, देखो ट्राई करो किस्मत अपनी। ये नाव वाले में ये ज्यादा खतरनाक है नाव। हाँ यार ये कौन सा है यार, ये वाला कैसा है पता नहीं। लाइट वाइट सब कम कर दी झूले में यार, लास्ट में हमें इसमें झूलना पड़ेगा लग रहा है, बचपन को याद करते हुए। ओ पीछे देख ले, बस ये वाला झूला अच्छा लग रहा है। काश हम भी बच्चे होते आराम से झूलों में खेलते यार, बड़े वाले झूलों में झूलने में इनको डर लग रहा है। तो करे तो क्या करें भाई, मेले में आए किस लिए समझ में नहीं आ रहा मुझे।
लोग झूलों के मजे ले रहे हैं और हम लोग यहाँ खाली बस यहाँ से वहाँ 11 नंबर की गाड़ी से चल रहे हैं जैसे उधर बस। और बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, वो देखो वाटर पूल में कितने अच्छे से झूले झूल रहे हैं यार। भूत बंगले में चलोगे फिर? भूत बंगले में चलोगे? आधे मिनट में तो वापस आ जाते हैं। हाँ ये है कि ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं है इसमें और शायद पता नहीं बंद हो रखे, पता नहीं क्या है। और वो वाला झूला भी काफ़ी ख़तरनाक है यार, पिछले साल वीडियो में देखा होगा आपने। और एक ये है ड्रैगन ट्रेन, थोड़ा इस एच पे आते ही थोड़ा सा लगता है बाहर गिर जाएंगे, है ना थोड़ा सा। तो भाई इस मेले में क्या मिस कर रहे हो आप लोग ये बताओ? मौत का कुआं। मौत का कुआं? तो देखो डिमांड आ रही है मेले वालों, अगली बार मौत का कुआं पक्का लगाना तुम लोग, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और मौत का कुआं देखने के लिए मतलब सबसे अच्छा शो मौत का कुआं ही लगता है। आराम से टिकट खरीदो, ऊपर जाओ, इन्जॉय करो राइड, है ना। पिछले बार तुमने वीडियो बनाई थी मौत के कुएं की, लेकिन इस बार मौत का कुआं तो है नहीं। अभी एक तारीख को जादूगर आने वाला है, जादूगर का शो भी दिखा जाएगा सितंबर 1 तारीख से। पता नहीं कौन है जादूगर सम्राट है, पता नहीं क्या है, हल्द्वानी में आने वाला वो। तो भाई मम्मी अब देखो यहाँ रुक चुकी है, सॉफ्ट टॉयज बहुत तोल तोल के देख रही है, जिसमें ज़्यादा रुई होगी वही लेगी शायद मम्मी। तो गाइस अभी का लेटेस्ट अपडेट, जो मेले में जितने भी ये सारे झूले थे अच्छे वाले वो सब बंद हो चुके हैं। सॉरी ये देखो ये वाला भी झूला अच्छा था, सब बंद हो चुके हैं। रेंजर वाला बंद हो गया, उसके बगल वाले बंद हो गया, बस एक ये सेल्फी वाला चल रहा है और छोटे मोटे झूले हैं और ये वाला ही बंद हो चुका है। ये काफ़ी डेंजरस था। Oh my God! भाई कितने का है ये वाला नाव? कितने का ये वाला नाव? कितने का? 50 का ले ले यार, चलता है ना ये पटपट पट पटपट वाला बोट है ये। हाँ जो इसमें तेल डाल के, तेल डालते हैं ना इसमें दिया जला के, देखो सही है ना। ले ले एक ले ले। भाई मेला तो सही में ही ख़त्म हो चुका है और कुछ एक दुकानें खुली है जहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया मेले के आखिरी दिनों में चीज़ें सस्ती मिलेंगी। वैसे तो मेलों में चीज़ें सस्ती मिलती है बट। तो भाई गोलू भाई अपना लग आजमाएंगे और ये जीतना चाहते हैं टीवी, शानदार LED TV। चलो 50 रुपये में मिलेंगे, कितने बॉल है? 3, 4, 5, 6 बॉल। और नंबर बनाने हैं 36, टीवी का नंबर है 36 और मैं सोच रहा था गाड़ी, गाड़ी का नंबर है 33। चलो स्टार्ट, चलो स्टार्ट करो यार। ऑप्शन दे रखा भैया ने कि एक एक करके डाल सकते हो और एक साथ भी डाल सकते हो, बाकी तुम्हारा अलग। चलो बनाओ फिर अब। चल भाई डाल रहा भाई इधर देख, नहीं मैं नहीं करूँगा बाद में देख लेना। डाल डाल, अरे मेरे को पकड़ा दिए। तू तो कह रहा था मैं सारे डालूंगा इसमें, ये 100 रुपये वाले में डालना। मैं डालूं? चलो डालो, चलो पहले ये डाल लेगा। डालूं? हाँ यार पैसे रिटर्न हो जाते सही में यार, 100 रुपये मिल जाते, 50 रुपये और मिल जाता। लालच बुरी वाला है भाई। चाचा आपका चौड़े वाले में डालो, थोड़ा ऊंचे वाले में डालो, जो ऊंचे हैं। चलो करो, ज़ूम कर दिया मैंने। अरे वाह, लास्ट लास्ट डाल डाल। चल भैया मेरा ही है भैया, 100 रुपये नहीं यार। किटकैट ऐसे ही रिंग बना के लाऊंगा तब डालूंगा इसमें, बैम्बू के रिंग बना के है भाई। रो मत यार, 85 रुपये गए हैं। वो वाला खेलता तो सही था यार, भैया भी देखते रह गए बेचारे कब खेलेंगे करके, उनको पता है भैया जीतना तो उन्होंने ही है, क्यों लगेगा कुछ नहीं बेचारा शर्मा रहा है। सेल्फी नहीं लेंगे यहाँ पे, सेल्फी लेना मना लिखे ना, बस ऐसे लेंगे फोटो, क्या दिक्कत है। कालीन वाले में, कालीन कहाँ है मम्मी? अरे मम्मी बोरी आगे चली गई। चल हाँ, तो भाई हम मम्मी रुकी है थोड़ा सा आर्टिफैक्ट्स वाले जगह पे, जहाँ पे शायद कुछ
खरीदारी हो सकती है। चाची बेचारी परेशान हो गई है बिल्कुल, मम्मी को कहती चलो चलो चलो, लेकिन मम्मी ने बिल्कुल चाची को परेशान कर दिया है, हालत ख़राब होगी चाची की। अरे वो कालीन वाले में क्यों नहीं रुके आप, ये अच्छा लग रहा है ना, 3,000 2,000 ऐसे गए हैं। हाँ तो फिर परेशानी तो होंगे फिर, ये कितना का है? इस जगह पे थोड़े अलग आइटम है, ये देखो ये भी जाने नेक बैंड वाला फैन। तो भाई मेला तो देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और जेब में एक भी पैसा नहीं बचा है तो हम लोगों को जाना पड़ रहा है पैदल, तो अभी पैदल जाते हैं। और मम्मी लोग पहले निकल चुके हैं क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा, और चाची की तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, तो बस अब निकलते हैं। बस इतना ही था मेले में आज, और मेला तो अभी ख़त्म ही हो चुका है, एक दिन ही बचा है टाइम, सब कुछ उठ चुका है लगभग।